हनुमान जी को शिव का 12वां अवतार माना जाता है और जब शिवसेना ही हनुमान चालीसा को बैन कर दे तो उन्हें तो फिर शिव भी नहीं बचा सकते। कि लोकतंत्र एक विश्वास है और सत्ता के घमंड में आकर जो इस विश्वास को तोड़ता है उसका घमंड टूटना भी निश्चित है। मौजूदा समय में महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने 29 जून को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस बड़ी उठापटक को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का रिएक्शन सामने आया है। सभी जानते हैं कि कंगना रनौत और उद्धव ठाकरे सरकार का हमेशा से ही 36 का आंकड़ा रहा है। कई बार संजय राउत संग कंगना रनौत का हंगामा हुआ तो कंगना रनौत के घर पर बीएमसी ने बुलडोजर तक चला दिया। ये मामला उस वक्त गर्मा गया था। उस समय कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे सरकार को ललकारा था और कहा था कि आज मेरा घर टूटा है, जल्द ही तेरा घर टूटेगा। ऐसे में जब उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी तो सबसे पहले रिएक्शन भी कंगना रनौत का आना लाजमी था। कंगना ने उद्धव सरकार पर निशाना साधते हुए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया। 1975 के बाद ये समय भारत के लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण समय है। 1975 में लोक नेता जेपी नारायण की एक ललकार से सिंहासन छोड़ो की जनता आती है, सिंहासन गिर गए थे। 2020 में मैंने कहा था कि लोकतंत्र एक विश्वास है और सत्ता के घमंड में आकर जो इस विश्वास को तोड़ता है उसका घमंड टूटना भी निश्चित है। और ये किसी व्यक्ति विशेष की कोई शक्ति नहीं है, ये शक्ति है एक सच्चे चरित्र की। और दूसरी बात, हनुमान जी को शिव का 12वां अवतार माना जाता है और जब शिवसेना ही हनुमान चालीसा को बैन कर दे तो उन्हें तो फिर शिव भी नहीं बचा सकते। हर हर महादेव, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कंगना ने यह भी लिखा कि जो लोग सत्ता के घमंड में आकर जनता का विश्वास तोड़ते हैं उनका घमंड टूटना तो निश्चित होता है। ये किसी व्यक्ति की शक्ति नहीं है, ये शक्ति है एक सच्चे चरित्र की। दूसरी बात ये कि हनुमान जी को शिव का 12वां अवतार माना जाता है। जब शिवसेना ही हनुमान चालीसा को बैन कर दे तो उन्हें शिव भी नहीं बचा सकते। हर हर महादेव, जय हिंद। कंगना रनौत ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, जब पाप बढ़ जाता है तो सर्वनाश होता है और उसके बाद सृजन होता है। इस पोस्ट पर फैंस भी कंगना रनौत और उद्धव ठाकरे और शिवसेना को लेकर कमेंट्स कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कंगना रनौत ने उद्धव सरकार पर जो निशाना साधा है उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।